नमस्ते जी, मैं हूं डॉक्टर निखिल प्रभु और मैं एज अ मधुमेह स्पेशलिस्ट मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं। आज इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं बेसिकली कि डायबिटीज मरीजों ने दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और दूसरा है दूध की मलाई खानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसका जवाब। अभी डायबिटीज मरीजों के लिए पहले तो दूध पीना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें प्रोटीन, कैल्शियम या B12 की मात्रा अच्छी क्वांटिटी में होती है। अभी जो शाकाहारी पेशेंट्स रहते हैं उनमें B12 का वैसे भी थोड़ा डाइट में प्रेजेंस कम से रहता है, तो उनके लिए दूध पीना बहुत ही अच्छी बात है। अभी दूध में बेसिकली दूध अच्छा कौन सा है और कौन सा कम अच्छा है, ये डिसाइड करने के लिए उसमें जो फैट की मात्रा रहती है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि कौन सा दूध डायबिटीज या हार्ट पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा है। तो जिसमें जिस दूध में फैट की मात्रा कम रहेगी वो ज्यादा अच्छा है मधुमेह के मरीजों के लिए और हार्ट पेशेंट्स के लिए। अभी अगर देखा जाए मार्केट में भैंस का दूध भी मिलता है और गाय का दूध भी मिलता है, तो भैंस के दूध में करीब 6% फैट रहता है और गाय के दूध में करीब 3% फैट रहता है। तो गाय और भैंस के दूध में गाय का दूध पीना ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो दूध की चीजें है जैसे मतलब दही हो गया या छाछ हो गया, ये भी डायबिटीज मरीजों के लिए लेना बहुत अच्छा है, सेहतमंद है, इससे पेट वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है। पर जो दूध की चीजें है जैसे बटर हो गया, घी हो गया या चीज हो गया, ये चीजें थोड़ी डायबिटीज मरीजों ने अवॉइड करनी चाहिए। अभी आप मार्केट में जाओगे, शॉपिंग मॉल में जाओगे, तो उधर 3 प्रकार के अलग अलग दूध भी मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जिसमें टोन मिल्क है या डबल टोन मिल्क है या स्किम मिल्क है, उसके कार्टन्स आते हैं बेसिकली, आपने मॉल्स में देखे होंगे। तो उनमें कौन सा अच्छा है, तो उसमें मैं हर एक का फैट का आपको परसेंट कितना है वो बताता हूं, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा बेहतर है। अभी जो टोन मिल्क है उसमें 3% फैट रहता है, जो डबल टोन मिल्क है उसमें 1.5% फैट रहता है, और जो स्किम मिल्क है उसमें 0.5 से भी कम फैट रहता है। तो डायबिटीज मरीजों के लिए स्किम मिल्क या स्किम दूध पीना बहुत अच्छा है डायबिटीज और हार्ट के मरीजों के लिए, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा सबसे कम रहती है। अभी इसके अलावा जो अभी स्किम मिल्क जो है वो सबसे बेहतर तो है डायबिटीज मरीजों के लिए पीना, पर इसके और भी कुछ फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूं। अभी स्किम मिल्क में बेसिकली जिनको वजन घटाना है तो उसमें मदद होती है, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा कम है। तो पहला चीज है वजन घटाने के लिए भी स्किम मिल्क ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो सीने का जलन रहता है या एसिडिटी प्रॉब्लम है डायबिटीज में, वो भी स्किम मिल्क से कम रहते हैं, वो एक अच्छा चीज है उसमें। इसके अलावा जो स्किम मिल्क है उसमें कैल्शियम या प्रोटीन की मात्रा रहती है अच्छी खासी, तो जो बुजुर्ग पेशेंट्स हैं जिनको या जिनको ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियां कमजोर होने की शिकायतें रहती है उनमें ये स्किम मिल्क का काफी फायदा है। इसके अलावा स्किम मिल्क पीने से जो अतरियों का कैंसर है उसके चांसेस भी कम होते हैं, और स्किम मिल्क पीने से रिस्क फैक्टर डायबिटीज या हार्ट डिसीज के रिस्क फैक्टर भी कम रहते हैं। तो इन सब में तो आपको अभी पता चला कि स्किम मिल्क सबसे बेहतर वाला दूध है, और गाय और भैंस के दूध में गाय का दूध ज्यादा पीना है। पर एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, अभी जो दूध का मलई रहता है वो पूरा फैटी है, तो कोई भी दूध रहे तो जो दूध का मलई है वो निकाल देना है, वो डायबिटीज मरीजों के लिए लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दूध के फैट मलई में पूरा का पूरा फैट रहता है, तो वो उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। तो अभी इस वीडियो में आपको पता चला कि दूध कौन सा डायबिटीज मरीजों ने पीना चाहिए और फैट जो है उसका मतलब जो मलई है दूध का वो अवॉइड करना चाहिए। इस टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके फैमिली दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए वीडियोज के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइएगा।